देखिए, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन। ठीक है, सो एक लाइन प्लेन में कब लाई करती है? सो लेट गिवन लाइन इज, किस टाइप की होती है हमारी गिवन लाइन इज, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यही होती है। एंड प्लेन कैसा होता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। ठीक, अब ये लाइन, इफ लाइन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर लाइज इन प्लेन, इसका मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर शुड बी डी, मतलब ये वाला पॉइंट आर वेक्टर वाला, इसके अंदर सेटिस्फाई करना चाहिए प्लेन के अंदर। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, और ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल लैम्डाज, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये होल्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी शुड बी जीरो एंड बी वेक्टर माइनस सॉरी डॉट एन वेक्टर शुड बी जीरो। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी हो जाए एंड बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो हो जाए। समझ में आ गई? तो ये दोनों कंडीशन है। सो इफ लाइन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर लाइज इन प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, देन क्या होना चाहिए, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी एंड बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब आते हैं दूसरे फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिख लिया आपने। इन कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं। सो इफ द लाइन, इफ द लाइन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल, यही है क्या? हाँ ठीक, इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन लाइज लाइज ऑन द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, देन कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, हम डिराइव करते हैं। सो एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन लाइन विल बी, कैसी होगी भाई, यहाँ इक्वल टू लैम्डा लिख लेंगे तो एक्स इक्वल टू एल लैम्डा प्लस एक्स वन, वाई इक्वल टू एम लैम्डा प्लस वाई वन, जेड इक्वल टू एन लैम्डा प्लस जेड वन, एंड दीज पॉइंट्स लाइज ऑन प्लेन
कौन सा प्लेन है भाई? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये होगा इक्वल टू 0। तो एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर दो। सो ए एल लैम्डा प्लस एक्स वन प्लस बी एम लैम्डा प्लस वाई वन प्लस सी एन लैम्डा प्लस जेड वन प्लस डी इक्वल टू 0। लैम्डा बाहर क्या आएगा? ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन प्लस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू 0 फॉर ऑल लैम्डास। सो किसी भी लैम्डा के लिए 0 लाना है, इसका मतलब क्या हो गया? ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन शुड बी 0 एंड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आ गई, ये हमारे कंडीशंस हैं। एक यहाँ तक क्लियर हो गई बात, कार्टेशियन फॉर्म में भी और वेक्टर फॉर्म में भी बात कर लेते हैं। अब आते हैं आगे की कंडीशन क्या है। अब नेक्स्ट हेडिंग है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, ऑफ टू लाइंस, ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, कंटेनिंग देम। तो यहाँ दो चीजों की बात कर रहे हैं, दो लाइन गिवन है, ठीक है। सो वो कोप्लेनर कब होंगे, इसके लिए क्या कंडीशन है, और वो जो दो लाइन है जिस प्लेन में है उसकी इक्वेशन क्या है। तो इसका मतलब तो रफली एक डायग्राम बना लेता हूं मैं, ग्राफ डायग्राम। ये कोई प्लेन है, वही प्लेन है, इसमें दो वेक्टर हैं, दो लाइन है, वेक्टर छोड़ो, दो कोई भी ऐसे वेक्टर्स, एक किधर हो गया ऐसे, ठीक, और एक थोड़ा सा ऐसे मार देता हूं मैं, एक और कोई वेक्टर होता है वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ड है, ठीक है। सो जो जो गिवन है उसको देख लेते हैं। लेट टू गिवन लाइन एल वन कैसा होगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन, ये सभी जानते हैं, ये एल वन कह दिया हमने, ठीक है, ये क्या है एल वन। एंड एल टू कैसा है, आर वेक्टर इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस लैम्डा बी टू वेक्टर, ठीक। सो ये एक ऐसी लाइन है जो पॉइंट बी ए टू से पास हो रही है, यहाँ कहीं ए टू है, ये कहीं ए वन है, ए वन वेक्टर है ना, ये वाला किसके पैरेलल है, ए वन वाला किसी बी वन वेक्टर के पैरेलल है, और ये वाला किसी के पैरेलल है, बी टू वेक्टर के पैरेलल है। सो जो अगर ये एक लाइन में है, इफ एल वन कॉमा एल टू लाइज इन सेम प्लेन, तो क्या होगा, जो इसका परपेंडिकुलर होगा प्लेन का, ऐसा कोई परपेंडिकुलर होगा भाई, यहाँ नहीं बना रहा मैं, इधर बना देता हूँ कहीं, ऐसा कोई परपेंडिकुलर होगा, ये मैंने कोई परपेंडिकुलर बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब ये इसके वर्टेक्स पे चला गया डायरेक्टली, तो कुछ मैं कर नहीं सकता, इधर खिसका, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या होगा, दिस वेक्टर विल बी बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर, एन वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर, और ए टू माइनस ए वन अगर आप कुछ बनाना चाहें,
एक ये वेक्टर बनाया मैंने, ये वाला वेक्टर A2A1, दैट इज A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर लाइज इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन एंड एन वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू इट, दैट इज इसका मतलब क्या हो गया, A2 माइनस A1 वेक्टर, A2A1 क्या थे जहां से दो लाइन पास हो रही थी, डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर क्या है B1 क्रॉस B2 शुड बी जीरो, विच इम्प्लाइज A2 क्रॉस B1, सॉरी A2 डॉट होगा ना, A2 डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। और आप क्या कह सकते हैं, A2 B1 B2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है A1 B1 B2 के इक्वल। सो दिस इज कंडीशन, दिस इज कंडीशन व्हेन L1 एंड L2 आर इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है हमें, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। फॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये A2A1 क्या है, लाइन पे कोई पॉइंट है ना, सो यू कैन रिप्लेस इट, यू कैन से R R वेक्टर B1 B2 B1 B2 A1 A2, मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, R से, ये कोई भी पॉइंट हो सकते थे वे प्लेन में, इक्वल टू हो गया A1 B1 B2 और A2 B1 B2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ में आ गई, ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, इधर इन दोनों को चूज कर लेना या इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना। सो इससे क्या आ जाएगी आपके, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ठीक, अब बात आगे बढ़ाते हैं, इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म इफ टू लाइंस कौन सी थी, X-X1/L1 लिया है भाई, हाँ वही लिया है, L1 इक्वल टू Y-Y1/M1 इक्वल टू Z-Z1/N1 एंड X-X2/L2 इक्वल टू Y-Y2/M2 इक्वल टू Z-Z2/N2। ठीक, तो पहले निकालते हैं कंडीशन, ये L1 L2 है, सॉरी L1 L2 कैसे लेंगे, कैपिटल L1 ले लिया मैंने ना, कैपिटल L2 है। इफ L1 L2 लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन, सो आप इसमें B1 वेक्टर क्या होगा, पहले वाले से कंपेयर करो जरा, वी कैन कंपेयर फ्रॉम वेक्टर फॉर्म। तो A1 वेक्टर क्या होगा, जहां से लाइन L1 पास हो रही थी, तो X1 I कैप, Y1 J कैप और Z1 K कैप है ना, एंड उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, B1 वेक्टर था है ना, B1 वेक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा, L1 I कैप M1 J कैप प्लस N1 K कैप, ये आप इससे कंपेयर कर रहे हैं हम इस वाले से है ना, यहाँ पे
ये जो लाइन थी आपने देखा था ए वन से पास हो रही थी, तो ए वन के कोऑर्डिनेट्स बी वन के पैरेलल थी, तो वही लिख रहा हूं मैं, ए वन क्या है और बी वन क्या है, सिमिलरली ए टू बी टू क्या है, ये सब हमें लिखने पड़ेंगे। ए टू क्या आएगा, एक्स टू वाई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, एंड पी टू वैक्टर विल बी क्या होगा, एल टू आई कैप प्लस एम टू जे कैप प्लस एन टू के कैप। सो कंडीशन क्या आती, व्हेन एल वन एंड एल टू लाइज इन प्लेन, हमने क्या पढ़ा था अभी, याद करो आप याद करो, जस्ट दो लाइन पहले अभी हमने प्रूफ किया है, यहाँ पे आपने ये प्रूफ किया है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ये वाला, ठीक है ना, ये आपने प्रूफ किया है। एक तो इसमें पुट कर देंगे और क्या, इसमें हम पुट कर देंगे, क्या था ए वन वैक्टर बी वन बी टू इक्वल टू ए टू वैक्टर बी वन बी टू, यही था ना भाई, यही तक था। इसका मतलब क्या हुआ, ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू था इक्वल टू ए टू डॉट बी वन क्रॉस बी टू वैक्टर था, इसका मतलब क्या हो गया, ए वन वैक्टर माइनस ए टू वैक्टर डॉट बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर, तो ए टू माइनस ए वन कितना आया, इक्वल टू जीरो, तो आप इसमें वैल्यूज रख लेना, इसमें आप वैल्यूज रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू जेड वन माइनस जेड टू एल वन एल टू सॉरी एल वन एम वन एन वन एल टू एम टू एन टू का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, दैट शुड बी जीरो। तो ये आपकी कंडीशन, इट इज कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन लिख लें, इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। सो इस ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है सो कैपिटल एल वन एंड कैपिटल एल टू आर द क्या इन द सेम प्लेन, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, ये एक्स वन वाई वन जेड वन या एक्स टू वाई टू जेड टू को हम जनरल पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इट कैन बी एक्स माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई टू जेड माइनस जेड टू एल वन एम वन एन वन एल टू एम टू एन टू, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन एल वन एम वन एन वन एंड एल टू एम टू एन टू इक्वल टू जीरो, तो इससे क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग क्या एल वन कॉमा एल टू जो ऊपर दी थी, ठीक। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसी बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं, क्या है, शो दैट द लाइन आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स थ्री आई कैप माइनस जे कैप एंड एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू फोर आई कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स टू आई कैप प्लस थ्री के कैप आर कोप्लेनर, आर को प्लेनर
एंड फाइंड द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन्स। ठीक है, कैसे करेंगे भैया? देखिए, ए वन वैक्टर कितना हो जाएगा? ए वन वैक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप हो गया। बी वन वैक्टर कितना हो जाएगा? थ्री आई कैप माइनस जे कैप। ए टू वैक्टर कितना हो जाएगा? फोर आई कैप माइनस के कैप। और बी टू वैक्टर कितना हो जाएगा? टू आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस थ्री के कैप, ऐसा कुछ हो जाएगा। जरा चेक कर लेता हूं मैं, ताकि गलती होने की संभावनाएं नहीं रहे। सो हमें बी वन क्रॉस बी टू चाहिए पहले तो। सो बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर चाहिए। वी नो दैट, कंडीशन लिख लेते हैं। वी नो दैट दीज गिवन लाइन्स will be coplanar if, क्या कंडीशन थी? ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू इक्वल टू ए टू डॉट बी वन क्रॉस बी टू। ये सो बी वन क्रॉस बी टू चाहिए पहले। सो कैलकुलेट करते हैं, बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर क्या आएगा भाई? आई जे और के लिखते हो ना, सो थ्री माइनस वन जीरो टू जीरो थ्री। ठीक, इसको निकालेंगे आप। सो क्या आता है, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, माइनस थ्री आई कैप माइनस नाइन जे कैप प्लस टू के कैप। ठीक, सो एलएचएस सॉल्व करते हैं पहले। एलएचएस क्या है? एल एच एस क्या है? ए वन वैक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू वैक्टर, तो कितना आ जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट माइनस थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, कितना हो गया? माइनस तीन माइनस नौ माइनस दो माइनस 14, ये हो गया। आर एच एस देखते हैं, ए टू वैक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू, कितना आएगा? ए टू कितना था भाई? फोर आई कैप प्लस जीरो जे कैप माइनस के कैप डॉट। बी वन क्रॉस बी टू कितना है? माइनस थ्री आई माइनस नाइन जे प्लस टू के। ठीक है, तो इसको हिसाब लगाइए, माइनस 12 जीरो और कितना आया? माइनस टू, दैट इज माइनस 14, है ना? विच इम्प्लाइज गिवन लाइन्स आर कोप्लेनर। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे आती थी भाई? आर वेक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू इक्वल टू ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू हो गया। सो ये आर वेक्टर डॉट माइनस थ्री आई कैप माइनस नाइन जे कैप प्लस टू के कैप इक्वल टू माइनस 14, ये आ गया वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में क्या आएगा? एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रख देंगे डॉट माइनस थ्री आई माइनस नाइन जे प्लस टू के इक्वल टू माइनस 14, कितना हो गया? माइनस थ्री एक्स माइनस नाइन वाई प्लस टू जेड इक्वल टू माइनस 14। ठीक, सो ये हो गया हमारा कौन सा फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। सो
तो दोनों फॉर्म में आपको आंसर दे दिए, ठीक है, आपको दोनों फॉर्म में आंसर मिल गए। दूसरा क्वेश्चन करता हूं मैं, थोड़े से लेंदी हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन इजी है, ओके, आपको इजी जाएंगे सभी क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एक्स प्लस वन अपॉन थ्री इक्वल टू वाई प्लस थ्री अपॉन फाइव इक्वल टू जेड प्लस फाइव अपॉन सेवन एंड एक्स माइनस टू अपॉन वन इक्वल टू वाई माइनस फोर अपॉन फोर इक्वल टू जेड माइनस सिक्स अपॉन सेवन आर को प्लेनर, आर को प्लेनर, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, ये भी काम करना है, ठीक है। क्या तरीका है, एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, यहाँ से देखेंगे एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन कितना आएगा भाई, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव, एक्स टू वाई टू जेड टू कितना आएगा, टू फोर सिक्स ये आएगा, और एल वन एम वन एन वन कितना आएगा, तीन पाँच सात, पूरा जो डेरिवेशन है उससे ही कंपेयर कर रहे हैं। एल टू एम टू एन टू कितना आएगा, एक चार सात, ठीक है। सो इफ गिवन लाइंस आर इन सेम प्लेन इन सेम प्लेन, तो क्या हमने कंडीशन निकाली थी, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन एल वन एम वन एन वन एल टू एम टू एन टू शुड बी जीरो। सॉल्व करते हैं जरा जरा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। सो इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन एल वन एम वन एन वन एल टू एम टू एन टू कितना आ रहा है जरा देखते हैं, ये हो गया तीन, ये हो गया चार प्लस तीन सात, छः प्लस पाँच ग्यारह, हो गया तीन पाँच सात, ये हो गया एक चार सात, ठीक है। जस्ट मैं मैच करा लेता हूँ कि अपनी कैलकुलेशन कहीं नहीं गई, नहीं गई। सो ये हो गया, इसको आप सॉल्व करेंगे, थ्री इंटू ये हो गया सात पचे पैंतीस माइनस अट्ठाईस, ठीक, माइनस सेवन इंटू इक्कीस माइनस सात प्लस इलेवन इंटू बारह माइनस पाँच, ठीक, तो कितना हो गया, तीन इंटू सात माइनस सात इंटू चौदह, ठीक, प्लस ग्यारह इंटू सात, अब चेक करें ये हो गया 21, ये हो गया 68, ये हो गया 77, कुछ तो कैलकुलेशन, ये 68 क्यों है, 98 होगा ना, ये गलत हो गया, इट विल बी 98, सो इट इज जीरो, इट इज जीरो, हैंस गिवन लाइन्स इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, ठीक है, ये दोनों लाइन कहाँ आ गई, सेम इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या आएगी भाई, इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी
था भाई, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और क्या आएगा, एल वन एम वन एन वन, एल टू एम टू एन टू। अब थोड़ा सा याद नहीं है, थोड़ा वापस जाना पड़ेगा मेरे को, एक्स वन वाई वन जेड वन क्या थे, लिखने पड़ेंगे ना। 1 3 5 थे, है ना, 1 3 5 थे। सो ये कितना हो गया, एक्स प्लस एक वाई प्लस तीन जेड प्लस पाँच, ये हो गया 3 5 7 1 4 7 इक्वल टू 0। ये आपके प्लेन की इक्वेशन आ गई, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स, कंटेनिंग द लाइन्स आर वेक्टर इज इक्वल टू, नीचे लिखते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप एंड आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, तो सेम ही पॉइंट आ गए, कोई बात नहीं, प्लस म्यू टाइम्स माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 214 टू द प्लेन, टू द प्लेन ऑब्टेन, ऑब्टेंड प्लेन पर देते हैं, टू द ऑब्टेंड प्लेन। चलिए थोड़ा सा हाईलाइट करके मैं यही चेक करना चाहूंगा, ये क्या है, ये क्या है, अभी आप यही इमिडिएटली बताएंगे मेरे को, ठीक है। सो आप ये बताएंगे सीधा सीधा, ये ए वन है, ये ए वन वैक्टर है, ये क्या है, बी वन वैक्टर है, ये क्या है, ए टू वैक्टर है, ये क्या है, बी टू वैक्टर है, ठीक। इसको एल वन कह देता हूं मैं, इस वाई लाइन को एल टू कहा गया है, ठीक है। तो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द, सॉरी, इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग, इक्वेशन ऑफ प्लेन, सॉरी बार बार बोलता हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग एल वन एंड एल टू इज, कैसे निकालते हैं भाई, आपने क्या किया था, आर वेक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू, ठीक, इक्वल टू ए वन वेक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू, ठीक। सो बी वन क्रॉस बी टू हम यहाँ निकाल लेते हैं, साइड में निकाल रहा हूं मैं, आई जे के 1 2 -1 -1 1 -2, सॉल्व इट, बी वन क्रॉस बी टू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कितना है भाई, -3 i कैप + 3 j कैप + 3 k कैप आ गया, ठीक है।
सो क्या आएगा यहाँ पे, आर वेक्टर, वेक्टर इक्वेशन है ना, तो आर वेक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू, ये आ गया। ए वन से प्रोडक्ट, ए वन क्या है भाई, आई कैप प्लस जे कैप प्लस जीरो के कैप डॉट माइनस थ्री आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस थ्री के कैप, तो कितना हो गया आर वेक्टर डॉट माइनस थ्री आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस थ्री के कैप विल बी इक्वल टू, इधर हो गया माइनस थ्री और हो जाएगा प्लस थ्री, तो जीरो हो गया शायद, है ना, इक्वल टू जीरो। सो प्लेन की इक्वेशन आ गई, सो प्लेन की इक्वेशन आ गई, सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो गया भाई, आर वेक्टर डॉट माइनस थ्री आई कैप माइनस थ्री जे प्लस थ्री जे कैप प्लस थ्री के कैप इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब आपका 214 से डिस्टेंस निकालना है, सो डिस्टेंस फ्रॉम 214 कैसे निकालते थे याद है, याद है क्या, ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी होता है और ये ए वेक्टर होता है, सो डिस्टेंस बिटवीन ए वेक्टर टू प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी इज, कैसे निकालते थे, ये इक्वल टू क्या लिखा था भाई, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी, है ना, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, वी विल यूज द सेम फॉर्मूला हेयर, सो पी कितना आ गया ए डॉट एन, सो कितना हो गया टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस फोर के कैप डॉट माइनस थ्री आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस थ्री के कैप माइनस जीरो अपॉन अंडर रूट थ्री स्क्वायर थ्री स्क्वायर थ्री स्क्वायर, है ना, कितना हो गया है, मॉडुलस ले लो, माइनस सिक्स प्लस थ्री प्लस 12 अपॉन नौ नौ 18 नौतिया 27 थ्री रूट टू, ठीक है, तो कितना हो गया 12 माइनस 3 9 थ्री बाई रूट टू, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई जे, एन कितना है, इसमें हमने थोड़ा सा गड़बड़ क्या किया है, थोड़ा सा गड़बड़ क्या किया है, उस तो नहीं यार, माइनस थ्री प्लस थ्री थ्री माइनस सिक्स प्लस थ्री नौ आएगा, नौ बाय थ्री रूट टू, नीचे का सही लिखा है ना भाई, तीन 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 टू टाइम्स ऑफ थ्री स्क्वायर तो थ्री रूट टू, रूट टू क्या किया, रूट थ्री का चार माइनस तीन, टू वन फोर ही है ना, टू वन फोर, तो तीन दूनी छ, तीन प्लस 12 15 माइनस छ नौ, नौ बाई तीन रूट टू, ठीक है,
देखिए मैंने बड़ा कॉमन सा मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे, बड़ा अजीब सा, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये 3 आएगा, है ना, 3 टाइम्स 3 स्क्वायर 3 है ना, तो 3, तो इसका आ गया √3 यूनिट। ये पॉइंट से लेके वहां तक का, प्लेन तक का डिस्टेंस आ गया। ओके चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद हेडिंग चेंज करेंगे। इफ द लाइन x-1/2 = y+1/3 = z-1/4 एंड x-3/1 = y-k/2 = z/1 इंटरसेक्ट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड द हेंस फाइंड द हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। ठीक है, सो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हो ये आपको पता है? इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं आप? इसको रख लेंगे हम लैम्डा, इसको रख लेंगे म्यू। सो ऑन द इंटरसेक्शन पॉइंट, ऑन द इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा - 1, 4 लैम्डा + 1 विल बी इक्वल टू μ+3, 2μ+k, और क्या आएगा? μ। ये आ गया, यहां से 3 इक्वेशन है, 3 ही अननोन है। सो इससे दिस इक्वल टू दिस, मतलब 2 लैम्डा + 1 = क्या लिखोगे? μ+3, और 4 लैम्डा + 1 क्या लिखोगे? म्यू। तो म्यू को उठा के इसमें पटक दो तो कितना आ जाएगा? 2 लैम्डा + 1 = μ कितना है? 4 लैम्डा + 1 + 3। सो हो गया इधर 2 लैम्डा, 1 से 1 गया 2 लैम्डा, इधर आया 2 लैम्डा, इधर -3, तो λ = -3/2। सो म्यू कितना हो गया? म्यू कितना हो जाएगा भाई? 4 लैम्डा, है ना, 4 लैम्डा + 1 कितना हो गया? -5। ये हो गया म्यू -5। ठीक है, सो हमारे पास क्या है? वी हैव 3 लैम्डा - 1 = 2μ+k, इंप्लाइज 3 लैम्डा, 3 - 3/2 - 1 = 2μ, प्लस के। ठीक, तो कितना हो गया है? -9/2 - 1+10 = k, कितना आ गया? 9/2। के आपका कितना आ गया यहां से? 9/2। के आ गया तो हमारे पास गिवन लाइन्स बिकम्स, यहां लिख देता हूं मैं फिर से, गिवन लाइन बिकम्स, लाइन बिकम्स L1 नाम लिखा है, क्या है भाई? x-1/2 = y+1/3 = z-1/4, और L2 क्या हो गई? x-3/1 = y, 9/2 आया था ना, y-9/2/2 = कितना आया? z/1।
required equation of plane, required equation of plane containing L1 comma L2 is क्या होगा भाई, x माइनस वन वाई प्लस वन जेड माइनस वन, ठीक, और 2 3 4 1 2 1 इक्वल टू 0, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर वो भी लिख देता हूँ, आंसर विल बी 5x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 6, तो ये आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या है कि पुराने कॉन्सेप्ट से हम लोग निकालते थे दो लाइन के बीच का डिस्टेंस, यहाँ कोई अलग कॉन्सेप्ट से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ लिखता हूं मैं अल्टरनेट मेथड फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो आप उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, लेकिन एक और नया मेथड सीखने में क्या हर्ज है, और ये मेथड सीखेंगे एग्जांपल से। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 such that x minus 1 by 2 equal to y plus 1 by 1 equal to z minus 2 by 4 and L2 कैसा है, x plus 2 by 4 equal to y minus 0 by minus 3 equal to z plus 1 by 1, ठीक है। इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कैसे निकालते हैं देखते हैं, तो डायग्राम से बनाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। ये हो गया L1, एक दूसरी लाइन है ऐसे, और दूसरी लाइन L2, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी तिरछी भी कर सकते हो या रहने दो आपकी मर्जी। ये लाइन कैसी है L1 वाली, कहाँ से पास हो रही है, 1 माइनस 1 2 से। ये वाली कहाँ से पास हो रही है भाई, -2 0 -1 से, ठीक। सो एक प्लेन बनाते हैं इसमें, ये प्लेन है कोई, ठीक, ये किसको कंटेन कर रहा है अभी, L2 को, ठीक है। और L1 वाले के पैरेलल आना चाहिए, मतलब L1 वाला जो प्लेन है उसी के पैरेलल भी होना चाहिए, ठीक। ऐसा कोई इसका परपेंडिकुलर भी होगा ना, अगर प्लेन है तो इसका कोई नॉर्मल भी होगा, बेहिचक होना चाहिए, है ना, इसका कोई नॉर्मल भी होना चाहिए ऐसे। लेट कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मेथड बताता हूं। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग L2 क्या होगा भाई, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एंड नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन, है ना, द लाइन L2। इसका मतलब क्या हो गया, L2 का जो डायरेक्शन रेशियोज है उससे इसका जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है उनका प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा,
4a minus 3b into b plus 1 into c should be 0. यहां तक बात समझ में आई? If plane is parallel to L1, then normal of plane will be perpendicular to L1 also. ठीक है, तो यही मेथड है. तो L1 से जब परपेंडिकुलर होगा तो उनका डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट इक्वल टू 0. ये 1 आ गया, ये 2 आ गया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई से आप एबीसी निकालेंगे. सॉल्व 1 and 2 टू गेट ए बी सी. तो ए हमारा क्या आ रहा है, मैं पहले बहुत निकाल चुके हम लोग, अभी मैं डायरेक्टली रखूंगा. ए विल बी -13 लैम्डा, बी इक्वल टू, या ऐसे लिख लेता हूं आपको भी अच्छा लगेगा, लैम्डा फंस जाएगा नहीं तो, ऐसे लिखता हूं ए इज टू बी इज टू और सी. ये जो आएगा -13 -14 और 10 आएगा. ठीक है, इक्वल टू लैम्डा लिख लोगे आप. सो पुट यहां पे पुटिंग ए बी सी इन स्टार टू गेट इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो जैसी रखेंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग एल टू इज क्या आएगा भाई, आप रख देना, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं क्या आ रहा है. थर्टीन एक्स प्लस 14y, ये पहले से कैलकुलेशन कर रखी है और आप लोग को बहुत कैलकुलेशन करके दिखा दिया, इक्वल टू 0. ठीक, अब जो पॉइंट है लाइन वन पे से, उस पे इस लाइन का डिस्टेंस निकाल लीजिए. डिस्टेंस फ्रॉम वन माइनस वन टू टू द प्लेन 13x प्लस 14y माइनस 10z प्लस 16 इक्वल टू 0 इज कैसे निकालेंगे. 13 इंटू 1 प्लस 14 इंटू माइनस 1 माइनस 10 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर. ये माइनस प्लस 16 भी आएगा. ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ रहा है 5 upon under root 4, 6, 5. सो समझ में आया कैसे निकालते हैं. आप क्या करो, जो अगर दो लाइन दी है तो इसमें क्या करना है, एक लाइन को पकड़ो, उसको कंटेन करने वाला प्लेन निकालो जो कि दूसरी लाइन के पैरेलल है. इसमें क्या है, L2 को कंटेन करने वाला L1 के पैरेलल. ठीक है, एक हमने क्या निकाल लिया, प्लेन निकाल लिया. फिर प्लेन का जो लाइन अपोजिट लाइन छोड़ी थी, है ना, इसमें L1 का हमने प्लेन नहीं निकाला, किसका निकाला, L2 का, L1 के पैरेलल. तो L1 पे से कोई पॉइंट लीजिए आप जो गिवन है, L1 से कोई भी पॉइंट लीजिए आप जो आपको गिवन है, देखिए आप, और उससे इसका डिस्टेंस निकाल लिया, बात खत्म. समझ में आया क्या किया, एक L2 लाइन जो थी उसका हमने प्लेन निकाला. ठीक, हाईलाइट कर देता हूं आपको, ये प्लेन निकाला L2 को कंटेन करने वाला, है ना, ये वाला, इसको कंटेन कर, जो इसके पैरेलल है, L1 के पैरेलल है. ठीक, उसके बाद क्या किया, प्लेन जैसी आ गया, बात खत्म.
इस पॉइंट से लेके इस प्लेन तक का डिस्टेंस निकाल लिया आपने। ओके, अब बात आती है अगले एक्सरसाइज की, उसमें क्या है इमेज कैसे निकालते हैं। तो इमेज आपने बहुत सब निकाल रखी हैं, आपने इमेजेस बहुत सब निकाल रखी हैं, ठीक है। सो एक दो क्वेश्चन देख लेता हूँ फिर भी मैं उसको भी, अल्टरनेट मेथड टाइप का ही है। फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 3-2-1 इन द प्लेन 3x-y+4z इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए इमेज निकालते हैं। ये हमारा कोई प्लेन, ये कोई पॉइंट 3-2-1, एक इसका इमेज इन द प्लेन। यार ये पॉइंट जरा दूर भाग गया, कोई बात नहीं, इस पॉइंट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी पॉइंट है ये, इसकी इमेज यहाँ बना लेते हैं क्यू पे, ठीक है। ये कहीं आर है ऑन द प्लेन, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। सो इक्वेशन और एन वेक्टर क्या है, ये एन वेक्टर है, एन वेक्टर प्लेन का कितना है 3i-j+4k, ये एन वेक्टर है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एन वेक्टर क्या आती है भाई, आर वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा 3i-2j+k, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है ना जिसके पैरेलल है, जिसके पैरेलल है, ठीक है। सो विच इम्प्लाइज आर वेक्टर कितना हो गया 3+3λ i-2-λ j+1+4λ k, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन द लाइन, सो ये आर क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3+3λ, कोई भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, -2-λ, 1+4λ, -2-λ, 1+4λ। आर के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे भाई, इन दोनों का मिड पॉइंट है ना, कितना हो जाएगा 6+3λ/2 कॉमा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -4-λ/2 कॉमा, और इसको ऐड करेंगे 2+4λ/2। अब क्या लिखेंगे, आर लाइज ऑन द प्लेन, तो इसका मतलब क्या हो गया, वी कैन पुट 3 6+3λ/2 - y, y कितना है भाई 4-λ/2 + 4z, z कितना है 2+4λ/2 इक्वल टू 2, ठीक है। सो इसका हिसाब किताब लगा लीजिए आप, इसको हिसाब किताब लगा लीजिए आप। मैं डायरेक्टली लिख दूं, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू -1, लैम्डा इक्वल टू -1, हैंस
आर जो होगा लैम्डा की वैल्यू रख देना, आर जो होगा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, आर निकाल सकते हैं, और इमेज क्या होगी, क्यू हो जाएगी, एंड इमेज जो बनेगी क्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 3 -3 0, -2 + 1 -1, 1 -4 -3, ये आपकी इमेज आ गई, यही आपको चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे आपका वेक्टर का बहुत बड़ा पार्ट खत्म होता है। ठीक, आपको यहाँ तक की सारी एक्सरसाइजेस जो भेजी जाएंगी वो कंप्लीट करनी है। ओके, बाय बाय, जय हिंद।